हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के 2009 से लेकर 2018 तक पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये प्रश्न है क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन पथ क्या होगा? पर वलयाकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, अर्थात पी बराबर क्यू डी। इसी प्रकार से स्टूडेंट, ये कई प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2018 तक, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे अवश्य तैयार करें ताकि 2019 की बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों के आने पर आप इनका ठीक प्रकार से उत्तर लिख करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। ये प्रश्न है, इसी तरह से क्रमशः मैं एक एक कुछ प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। ये क्रमशः ये सभी प्रश्न भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षा में 2009 से लेकर के 2018 तक पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। चालक की प्रतिरोधकता व चालकता पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग क्या होता है? वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2009 से लेकर के 2018 की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अतः आप इन्हें अवश्य तैयार कर लें ताकि 2019 की बोर्ड परीक्षा में आप इनको ठीक ढंग से लिख करके भौतिक विज्ञान में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो ये स्टूडेंट वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।